कोरोना की सेकेंड लहर की वजह से सलमान खान अपनी फिल्म राधे की रिलीज को लेकर वरिड है, लेकिन सलमान ने इसके बावजूद अपने फैंस को ये कमिटमेंट दी है कि भले ही इस ईद पर नहीं लेकिन अगली ईद पर वो राधे जरूर रिलीज करेंगे। हालांकि पिंक विला की अब ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म इस ईद पर नहीं तो जुलाई में पड़ने वाली बकरा ईद पर रिलीज हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये फिल्म इस साल ईद पर नहीं आ पाई तो इसे जुलाई में बकरा ईद के मौके पर रिलीज किया जा सकता है। सोर्सेज के मुताबिक अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मेकर्स इस बात पर विचार करेंगे कि फिल्म को मई में ईद के मौके पर रिलीज किया जाए या नहीं। सोर्सेज का ये भी कहना है कि अभी तो मई में इसके रिलीज होने की सूरत नजर नहीं आ रही है, तो अगर मीठी ईद यानी कि 13 मई की डेट टलती है तो फिर बकरी ईद वाला वीकेंड यानी कि जुलाई में 20 या 21 तारीख के आसपास एक और डेट बनती है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर राधे बकरी ईद वाले वीकेंड पर रिलीज होती है तो फिर इसके KGF 2 से टकराने के सीधे चांसेस हैं। तो क्या सलमान ऐसी सीधी टक्कर मोल लेंगे? अगर 13 मई को कोरोना की वजह से राधे की रिलीज टलती है तो फिर KGF 2 से टक्कर के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। आपको बता दें कि सुपरस्टार यश की मच अवेटेड फिल्म KGF 2 साल 2021 की सबसे बड़ी फिल्म है और ये 16 जुलाई को रिलीज हो रही है। और अगर राधे और KGF 2 के बीच क्लैश होता है तो ये सबसे बड़ा क्लैश माना जाएगा। हालांकि अब देखना यह है कि सलमान राधे की रिलीज को लेकर क्या हो। फिल्म राधे की टीम ने अपनी रिलीज की तैयारियां तो पूरी कर ली हैं और ईद पर ही सलमान अपने फैंस को ईदी देने आएंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।